स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेहन रू स्पोर्ट्स और बेयर स्पेंटर्स के बीच खेले जाने वाले दोस्तों आज के ECS क्रिफिल T10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों क्रिफिल T10 का मैच नंबर 23वां खेला जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे दोस्तों उन सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में रखना है, और बात करेंगे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में करके चलना है दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो भाई इतना अच्छा चांस मिला है आपको, काहे मिस कर रहे हो? बिल्कुल आओ यार टेलीग्राम चैनल पे, देखो अभी लास्ट वाले मैच में जो फर्स्ट T10 था इनका, उसमें दोस्तों 1893 ठीक है आया था रैंक अपने में, एक बेहतरीन दोस्तों परफॉर्मेंस आया था हमारे यहाँ। सब लोगों ने अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे विन किया है, कोई 4,000 तो कोई 5,000, कोई 10,000, तो अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे विन किए हैं। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम पे आओ, टीम के लिए मत आओ यार, जो चीज़ें मैं बताता हूँ टेलीग्राम पे वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी ठीक है। टॉस एंड लाइनअप के अपडेट, कोई नया प्लेयर्स खेले तो उसके स्टेट्स, ये सारी चीज़ों के लाना, ये मत सोच के मत आना कि टीम इसके खेलेंगे तो जीतेंगे, है ना। सीखने के लिए आओ, बिल्कुल यार सीखोगे तभी बहुत आगे जाओगे ठीक है, फैंटेसी के अंदर सीखना जरूरी है। चलिए बात करें मैच के बारे में। तो दोस्तों मैच नंबर 23वां इस क्रिफिल T10 का RRS और BYS के बीच खेला जाएगा। 4:45 मैच स्टार्ट होगा, और दोस्तों वेन्यू रहेगा क्रिफिल ग्राउंड का। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो एक बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा इस वेन्यू पे। अभी लास्ट दोस्तों 20 मैच खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 11 मैच, बैटिंग सेकंड ने 8 मैच यहाँ पे विन किया है। अब अंडर एक मैच हुआ है दोस्तों, 90 से 120 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों टीम RRS के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम RRS की तरफ से मुअज्जम खान हैं, और उनके साथ दोस्तों शामिर अहमद, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली आपको ओपन करते दिखेंगे। लास्ट मैच की लाइनअप यही थी इनकी ठीक है। मुअज्जम खान 27 का एवरेज है इसका ODD के अंदर, ODD का रिकॉर्ड है इनका मेरे पास, फर्स्ट मैच में 17 किया था उसमें, और सेकंड मैच में 4 रन की इनिंग आई थी दोस्तों। तो बड़ा इनिंग तो अभी तक खेला नहीं है, लेकिन दोस्तों ओपनिंग पे आएगा तो आप ट्राई करके चल सकते हैं उनको। शामिर अहमद है, 2 ओवर की बॉलिंग प्लस ओपनिंग पे बैटिंग करेगा, बिल्कुल टीम में लेकर के चलना। हर मैच में दोस्तों इसको विकेट नहीं मिलता, यहाँ पे देखो 35 रन प्लस 0 विकेट 2 ओवर डाल के, यहाँ पे 15 रन प्लस 2 विकेट 2 ओवर डाल के। तो दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स मान के चलो, लेकर के चलना। वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों ठीक है। बासिरुद्दीन है, यहाँ पे 27 किया, यहाँ पे 21 रन की इनिंग, तो ये भी एक हार्ड हिटर प्लेयर है दोस्तों, ठीक ठाक हिटिंग कर लेगा, बिल्कुल टीम में लेकर के चलना। खेलेगा तो वन डाउन पर बैटिंग करने जरूर आएगा। अनूप सिंह इनकी टीम का एक बढ़िया प्लेयर है, जो कि 2 ओवर की बॉलिंग के साथ साथ दोस्तों आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन देता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट मैच में 21 रन किया, 3 विकेट लिया था 2 ओवर डाल के, सेकंड मैच में दोस्तों वहीं पे 0 विकेट रहा 2 ओवर डाल करके, बैटिंग इसकी आई नहीं थी ठीक है। बाकी अनूप सिंह इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे दोस्तों ठीक है। सदम हुसैन है, इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूँ मैं, और शफीकुल इस्लाम है, इनको भी ड्रॉप करके चलने वाला हूँ मैं, क्योंकि इनको उतना ज़्यादा मौका नहीं देता टीम, और उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। मोहम्मदुल्ला खान खेलेगा तो 1 से 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता दिखेगा, लेकर के चल सकते हो, खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ठीक है। और उसके बाद आएंगे मिटन मानिक, इनका देखो लास्ट मैच में 2 विकेट 2 ओवर डाल के, एक अच्छा बॉलर है जो 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करेगा, साथ ही दोस्तों अगर इसकी बैटिंग आ जाए, विकेट विकेट जल्दी गिर जाए तो बैटिंग भी कर सकता है मिटन मानिक। तो बिल्कुल मिटन मानिक को तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आप लोग लेकर के चलो। उसके बाद दोस्तों तुहिन इस्लाम लास्ट मैच में लाइनअप में आए थे, इनका रिकॉर्ड 4 इनिंग के अंदर 7 विकेट का है, तो एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रखता है तुहिन इस्लाम ठीक है। तो ट्राई करना रहेगा तो बिल्कुल इसको ट्राई करके चलो। उसके बाद दोस्तों बेलाउल इमोन है, इनको देखो ODD का रिकॉर्ड है इनका मेरे पास, 5 इनिंग के अंदर 9 विकेट का रिकॉर्ड है, तो एक बेहतरीन रिकॉर्ड रखता है ये। खेलेगा तो ये भी 2 ओवर की बॉलिंग करेगा दोस्तों, ये दोनों प्लेयर्स खेल सकते हैं और लाइनअप में थे लास्ट मैच में, इसीलिए मैं इनको मेंशन कर दिया हूँ प्रोबेबल प्लेइंग 11 में, तो आप लोग इनके बारे में जान लो थोड़ा बहुत ठीक है। मुफ्फर रहमान है, ODD के अंदर 2 इनिंग में दोस्तों 1 विकेट का रिकॉर्ड है, उतना अच्छा खासा बॉलिंग रिकॉर्ड तो है नहीं इसका, बाकी दोस्तों GLs वगैरह में ट्राई करोगे तो कर सकते हो आप लोग। अभी के लिए इनकी टीम से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे एक बार बताऊं तो शामिर अहमद है, बासिरुद्दीन है, इनको तो लेकर के चलना है, अनूप सिंह को भी लेकर के चलना है दोस्तों, नीचे से मिटन मानिक हैं, इनको बिल्कुल ट्राई करके चलो, और इन तीनों प्लेयर्स में से दोस्तों तुहिन इस्लाम है और बेलाउल इमोन है, इनको ट्राई करने लायक रहेंगे। बाकी मोहम्मदुल्ला खान खेलेगा तो इसको भी लेकर के चलना है, तो ये इंपॉर्टेंस प्लेयर है ठीक है, इनको बिल्कुल आप ध्यान देकर के चलो। ये 3-5-6 जो प्लेयर बताए हैं उनको बिल्कुल लेकर के चलना, बाकी प्लेयर को साइड में रखो ठीक है।
और इनके बेंच के प्लेयर्स की बात करें तो देखो बेंच में अंकित तोमर जैसे प्लेयर हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इनके रिकॉर्ड एक बार आप लोग देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी प्लेयर्स खेले तो दोस्तों, ठीक है। और बात करें स्टार्टिंग के ओवर्स की तो मिटन मनिक हैं और अनूप सिंह हैं जो कि स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते दिखेंगे। डेथ ओवर्स में दोस्तों मिटन मनिक हैं और अनूप सिंह और बिलाल एमोन आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आगे बात करें टीम BYS के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में तो दोस्तों यहां से वकास फातमी हैं और उसके साथ मोहम्मद आसिफ, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली आपको ओपन करते दिखेंगे। वकास फातमी का देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, देखो 17 रन 3 रन 52 रन, साथ ही विकेट कीपिंग करता है तो वहां से आपको 10-15 पॉइंट्स तो बिल्कुल लेकर के देगा, क्योंकि एक विकेट कीपर विकेट कीपिंग से 10-15 पॉइंट तो एक्स्ट्रा देता ही है। थोड़ा बहुत 10 रन यहां से कर दिया तो 30-35 पॉइंट हो गया ड्रीम टीम का पॉइंट। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है विकेट कीपर को रखने का, ठीक है, खासकर उस विकेट कीपर को जो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग देता हो। तो वकास फातमी को तो बिल्कुल लेकर के चलेंगे दोस्तों। मोहम्मद आसिफ हैं, ये दो ओवर की बॉलिंग करेगा, साथ ही ओपनिंग पे बैटिंग बिल्कुल लेकर के चलेंगे, टीम में कैप्टन करके चलूंगा मैं इसको, सीधा बता रहा हूँ, अच्छा ऑप्शन है, कैप्टन करके ही डायरेक्ट जाने वाला हूँ इसको मैं। उसके बाद दोस्तों साजिब खान है, ये भी एक बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, 37 रन +2 विकेट यहाँ, 36 रन +3 विकेट यहाँ, 3.0 आउट +1 विकेट यहाँ, तो एक हार्ड हिटर प्लेयर दोस्तों, 33 का एवरेज T10 के अंदर लेकर के चलेंगे। वाइस कैप्टनसी देना है तो वाइस कैप्टनसी दे देना, कैप्टनसी देना है तो कैप्टनसी दे देना, ठीक है। बाकी वीडियो को पूरा ध्यान से सुनते रहो आप लोग। ताहा हसन है, ये भी दोस्तों 1 से 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता दिखेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही ज़बरदस्त है इसका, यहाँ पे देखो 1 विकेट है। उसके बाद सेकंड मैच में 44 नॉट आउट की इनिंग, थर्ड मैच में दोस्तों 28 नॉट आउट +1 विकेट की इनिंग, तो एक बढ़िया इनिंग खेलता है दोस्तों, बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे। ताकिर खान है, ये 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स मान के चलो इसका, हर मैच में दोस्तों देखो ये 2 ओवर की बॉलिंग और विकेट्स भी इसको हर मैच में मिले हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दो, लेकर के चलो दोस्तों। वाइस कैप्टनसी रोटेट मार देना इंपॉर्टेंट रहेगा। हसीब अब्दुल है, हसीब अब्दुल दोस्तों देखो 6 इनिंग के अंदर 4 विकेट का रिकॉर्ड रखता है ये, लेकिन टीम की तरफ से इसको मौका नहीं दिया गया, इस चीज़ को ध्यान देना। बाकी ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना रहेगा तो बिल्कुल आप ट्राई करके चल सकते हो यार, ठीक है। जकीरुल्ला असमारी है, कंटिन्यू 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है, विकेट लेस है दोस्तों लास्ट के दोनों मैचेस के अंदर, तीनों मैचेस के अंदर बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ट्राइबल प्लेयर रहेगा, इतना ध्यान देना। देखो 10 इनिंग के अंदर 9 विकेट का रिकॉर्ड है, हालांकि विकेट लेस रहा है, लेकिन इस मैच में दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे करके जा सकता है। राजभूषण है, ये भी दोस्तों 1 से 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता दिखेगा, यहाँ पे देखो विकेट लेस, लेकिन लास्ट मैच में 1 विकेट इसको मिली गया था, 18 इनिंग के अंदर 15 विकेट का रिकॉर्ड रखता है, ये प्लेयर्स काफ़ी बढ़िया हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे के जो 3 प्लेयर हैं इनको तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इनका रिकॉर्ड भी उतना अच्छा खासा नहीं है, तो इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे अभी के लिए। इनकी टीम से इम्पॉर्टेंट जो है वकास फातमी है, मोहम्मद आसिफ हैं और साजिब खान है, ताहा हसन है, इनको लेकर के चलेंगे, ताकुर खान है, इनको लेकर के चलेंगे, और यहाँ से दोस्तों जाकिरुल्ला असमारी हैं और राजभूषण, इन दोनों प्लेयर में से किसी एक प्लेयर को तो आप बिल्कुल आप ध्यान दे करके चलो, खास करके दोस्तों जाकिरुल्ला असमारी हैं, ठीक है। बाकी इनके बेंच प्लेयर्स में से एक बार देख लो, यहाँ से कोई भी खेलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, एक बार आप सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख लो ताकि दोस्तों कोई भी खेले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बात करें यहाँ पर स्टार्टिंग के ओवर की तो ताहा हसन है, ताकुर खान है, डेथ के ओवर्स में दोस्तों ताहा हसन है, मोहम्मद आसिफ आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिखेंगे। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर के स्टेट्स के बारे में। बात करें एक डेमो टीम की तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे वकास फातमी जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, विकेट कीपिंग के साथ आपको हिटिंग करते हुए दिखेंगे, और यहाँ पे साजिब खान एक बढ़िया ऑप्शन, इनको बिल्कुल टीम में लेकर के चलो, एक अच्छा आपके लिए पॉइंट्स दे करके जाएगा, CVC भी करके ट्राई करके चल सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो इनको लेना ही लेना है। बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ से देखो आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अनूप सिंह रहेंगे, क्योंकि आपको ओवर्स भी करा करके देंगे साथ ही हिटिंग करके देंगे, तो इनको तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलो आप लोग। मैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ आता हूँ, यहाँ से टी हसन है जो कि अच्छे फॉर्म में है, मोहम्मद आसिफ आपके CVC का चॉइस रहेगा, लेकर के चल सकते हो, बासिरुद्दीन है और टी खान है दोस्तों, इनको लेकर के चलना पड़ेगा क्योंकि अच्छे ऑप्शन है। शामिर अहमद यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, तो 5 प्लेयर जो हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप डिफरेंशियल जाना चाहो तो असमारी को बिल्कुल ट्राई करके चलना, 2 ओवर्स की बॉलिंग मिलेगा इसको टीम की तरफ से, लेकिन परफॉर्मेंस आएगा तो ही पॉइंट्स दे करके जाएगा प्लेयर, ठीक है। मैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ आ जाता हूँ यहाँ से,
और बॉलिंग सेक्शन में आने के बाद दोस्तों बी ओमोन मुझे लग रहा है कि सही प्लेयर है, इनको लेकर के चलेंगे। मिटन मनिक को लेकर के चलेंगे। एक प्लेयर मुझे और चाहिए दोस्तों, आप यहां से राजभूषण को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, या फिर दोस्तों अस्माई को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। आपके पास ऑप्शन है, आप किसके साथ जाना चाहोगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो अस्माई को लेकर के गया हूँ। और दोस्तों ये मेरी टीम है, जो डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है ये। फाइनल टीम मैं दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे आफ्टर टॉस। ठीक है, अभी इस टीम को आप लोग सेव करके रख लेना। और यहाँ पे दोस्तों मैं कैप्टन वाइस कैप्टन का आपको सजेशन दूँ तो देखो, मोहम्मद आसिफ सिंगल कैप्टनसी आज के मैच का। ठीक है, वाइस कैप्टन रोटेट कर देना एस खान को, सामीर अहमद को ट्राई कर सकते हो, टी हसन को ट्राई कर सकते हो, तो और वकास फातमी को ट्राई कर सकते हो। तो इनमें आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोटेट कर लो ग्रैंड लीग्स के अंदर, या फिर दोस्तों आप किसी एक को कैप्टन करके वाइस कैप्टन से रोटेट कर लो। बाकी मेरी फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस दूंगा विद कैप्टन वाइस कैप्टन, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना यार, बिल्कुल यार। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना करने के बाद आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम से फटाफट से जुड़ो सभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एक लाइक जरूर कर देना वीडियो के लिए।